नमस्कार भक्ति कृष्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए मैं आपके लिए टू कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। अगर आप इस डिज़ाइन को मतलब तिरछे बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। मैंने ये डिज़ाइन सीधे में बना के आपको दिखाया है, मैं सीधे में बनाना बताऊँगी, जबकि ये डिज़ाइन तिरछे में भी बन सकता है और वी शेप में भी बन सकता है। मैं जल्दी अपनी वी शेप वाली डिज़ाइन भी आपकी अपनी वीडियो जो है डालूंगी अपने चैनल पर, लेकिन उसके पहले मैंने ये सीधी वाली जो है डालकर दिखाई है। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको ये वी शेप वाली इसकी जो है डिज़ाइन चाहिए या फिर नहीं। आइए अब हम इसे बनाना बताते हैं। ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पे 25 फंदे डाल रखे हैं। मैं 25 फंदों में ये डिज़ाइन डाल के बना के आपको दिखाऊंगी। मैंने पहली सिलाई जो अपनी सीधी बुन ली है, मैं दूसरी सिलाई पे आ गई हूँ। दूसरी सिलाई में किस तरह बनानी है ये देखिए, मैंने अपना दूसरा कलर भी जोड़ रखा है। ये देखिए अब मैं शुरू करूँगी, 5 फंदे में जो है उल्टे बुनूँगी इसकी, दूसरे कलर से 3, ये 4 और 1, 5, 5 फंदे जो मैंने उल्टे बुन लिए हैं। एक फंदा मैं उतार लूँगी, बिना बुने उतार लूँगी, फिर मैं एक फंदा उल्टा बुनूँगी, फिर मैं एक फंदा बिना बुने उतार लूँगी और फिर मैं एक फंदा उल्टा बुनूँगी, फिर मैं एक फंदा जो है बिना बुने उतार लूँगी, फिर मैं 5 फंदे जो हैं उल्टे बुनूँगी, 2, 3, 4 और ये 5। फिर मुझे क्या करना है, एक फंदे बिना बुने उतारूँगी और ये फंदा उल्टा बुन लूँगी, ये फंदा भी बिना बुने उतारूँगी, इसको भी मैं उल्टा बुन लूँगी, फिर भी एक फंदा जो है मैं बिना बुने उतार लूँगी। फिर 5 फंदे मेरे लास्ट के बचे हैं, 5 बुन लूँगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फ्रेंड्स पहले मैंने सिलाई जो है सीधी बुनी थी, दूसरी मैंने नया कलर जोड़ा है, उल्टा उल्टा सारा बुना है। अब मुझे क्या करने हैं, ये 5 फंदे मैं जो है उल्टे बुनूंगी, 5 फंदे जो है मुझे उल्टे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। उन पीछे ले जाऊंगी मैं, एक फंदा जो उतारा था मैंने उसे मैं उतार लूंगी, फिर इधर आगे लाके उन इसको भी एक फंदा बुन लूंगी, उल्टा ही बुनना है, फिर उन पीछे ले जाकर इसको इस फंदे को भी उतार लूंगी जैसे उतारा था, ये जो फंदा है फिर मैं एक इसको उल्टा बुन लूंगी, फिर उन पीछे ले जाकर उसको उतार लूंगी और ये 5 फंदे फिर मैं उल्टे बुन लूंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 फंदे फिर मैंने बुन लिए। ये देखिए ये क्रम हमें दोहराते हुए जाना है, आप देख लीजिए इस फंदे को भी बिना बुने मैंने पहली सिलाई दूसरी सिलाई में उतारा था, तो तीसरी सिलाई में भी मैं बिना बुने उतारूंगी। ये देखिए इसको उल्टा बुनना, उन पीछे किया, उतारा फंदा उतार लिया, उन आगे किया और ये लास्ट के फंदे मेरे बचे, 5 फंदे उल्टे बुन लिए, 3, 4 और ये 5। मेरी 3 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं चौथी सिलाई पे आई हूँ, मुझे जो है सारे फंदे इस कलर से बुनने हैं, पर्पल कलर से बुने हैं, सारे के सारे फंदे मैं उल्टे बुनूंगी, ये सिलाई मेरी जो है पूरी उल्टी जाएगी, सारे फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। ये मेरी चौथी सिलाई है, इस तरह से मैं पूरा उल्टे बुन के दिखा। ये देखिए मैंने अपनी जो है चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली, मैं 5वीं सिलाई पे आ गई हूँ यानी सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। ये देखिए मेरा डिज़ाइन जो है बनने लगा है।
अब मैं क्या करूँगी, ये भी मेरी सिलाई जो है, ये पांचवी सिलाई है, ये पूरी की पूरी सीधी जाएगी। उसके बाद जो मैंने मतलब ये हमारी पहली सिलाई की तरह रहेगी पूरी सीधी, और दूसरी सिलाई मैंने जैसे कलर जोड़ के नया ये बुना था उसी तरह से बुना जाएगा। ये पूरी सिलाई मुझे सीधी बुननी है। देखिए ये देखिए, मैंने अपनी पूरी सिलाई जो है सीधी बुन ली है, ये मेरा ये डिज़ाइन बन गया है। फिर अगली सिलाई में भी मुझे जिस तरह मैंने दूसरी सिलाई बुनी थी उसी तरह से ही बुनना है। इसके लिए क्या करना है, पांच फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। एक फंदा बिना बुने मुझे उतार लेना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बिना बुने उतार लेना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा जो है उतार लेना है, फिर पांच फंदे जो है उल्टे बुनने मुझे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर क्या करना है, एक फंदा बिना बुने उतार लेना है, फिर एक फंदा जो है बुन लेना है, फिर एक फंदा जो है बिना बुने उतारना है, और अगला फंदा बुन लेना है, फिर एक फंदा जो है बिना बुने उतार नहीं सॉरी फ्रेंड्स, अब मुझे जो है पांच फंदे ये सही है बुनना है। ये देखिए तीन फंदे मैंने उतार रखे हैं, पांच फंदे ये लास्ट के बचे हैं ना, पांच फंदे जो है मुझे बुन लेना है। अब मैं अपनी सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। ये देखिए ये डिज़ाइन बनने लगी है, इसको भी मैं बना के दिखा देती हूँ। पांच फंदे उल्टे बुने जाएंगे, उतारा फंदा उतारा ही जाएगा, तीन चार और पांच, ऊन पीछे ले जाऊँगी मैं, उतारा फंदा उतार लूँगी, ऊन आगे लाऊँगी मैं, इसको बुन लूँगी मैं, उतारा फंदा उतार कर बुन लिया, बुना फंदा उतारा फंदा जो है उतार लिया। फिर पांच फंदे उल्टे बुनूंगी मैं, एक दो तीन चार और ये पांच, उतारा फंदा उतार लूंगी उन पीछे करके, इसको भी मैंने बुन लिया। फिर उतारा फंदा जो उतार लूंगी, फिर इसको आगे करके इसको बुन लूंगी, इसको भी उतारा फंदा उतार लूँगी, फिर ऊन आगे करके पांच फंदा लास्ट का उल्टा। अगली सिलाई में पर्पल कलर से सारे फंदे उल्टे बुनूंगी। इसी तरह से हमें जो है ये क्रम दोहराते हुए अपनी डिज़ाइन डालनी है। मैं थोड़ी डिज़ाइन डाल के आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा और बुन के बता दूंगी आपको। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये डिज़ाइन तिरछे में डालना चाहें तो तिरछे में भी डाल सकते हैं, और इस तरह मैंने सीधे में डाल के दिखाया है तो सीधे में भी डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन दोनों तरफ से अच्छी लगी, मैंने सीधे में ही डाल के दिखाया आपको, आप इसको तिरछे सीधे या फिर वी शेप में भी डालकर बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर मेरी डिज़ाइन आपको पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।